नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। चुनाव के बीच भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने अपना लोगो बदल दिया है। इसका रंग अब रूबी रेड की जगह भगवा हो गया है। डीडी का लोगो बदलने पर सियासी घमासान मच गया है। विपक्ष के नेता प्रसार भारती और सरकार पर हमला बोल रहे हैं। टीएमसी सांसद और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ ने तो प्रसार भारती को प्रचार भारती तक कह दिया है। प्रसार भारती ने जैसे ही दूरदर्शन का लोगो भगवा करने की जानकारी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की, वैसे ही सियासी संग्राम शुरू हो गया। डीडी न्यूज चैनल ने अपने एक्स हैंडल पर लोगों के बदलाव पर जानकारी देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो के साथ एक कैप्शन भी लिखा, भरोसा सच का। डीडी ने एक्स पर लिखा कि हमारे मूल्य तो वही है, लेकिन अब हम एक नए रूप में आप सबके सामने हैं। खबरों का एक ऐसा सफर जो आपने पहले कभी नहीं किया, उसके लिए तैयार हो जाइए पूरी तरह से नए डीडी न्यूज का अनुभव लें। हम इन बातों को प्राथमिकता देते हैं, तेजी से ज्यादा सटीक खबरें, दावों से ज्यादा सच, सनसनी से ज्यादा सच्चाई। जब 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी तो उस पर भगवा लोगो ही था। हालांकि उसके बाद इसका लोगो बदलते रहे, इसमें नीले, पीले और लाल जैसे दूसरे रंग जुड़ते रहे, लेकिन इस बार डीडी के लोगो का कलर चेंज होने से विपक्ष लाल हो गया है। विपक्ष का कहना है कि चैनल का भगवाकरण किया जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसे लोकसभा चुनाव से पहले बदलने की क्या जरूरत थी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार ने कहा, दूरदर्शन ने अपने ऐतिहासिक फ्लैगशिप लोगो को भगवा रंग में रंग दिया है। पूर्व सीईओ के रूप में इसके भगवाकरण को चिंता के साथ देख रहा हूं। ये भी महसूस कर रहा हूं कि ये अब प्रसार भारती नहीं बचा है, बल्कि ये प्रचार भारती हो गया है। कांग्रेस नेता और देश के पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी भी इससे बेहद खफा है। तिवारी ने कहा, ये सरकार की ओर से भगवावाद और सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने के प्रयास है। ये कदम भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर की तटस्थता और विश्वसनीयता को कमजोर करता है। बीजेपी के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, भगवा से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को? ये लोग भगवा रंग का भी आनंद नहीं ले सकते हैं। ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। डीडी के लोगों का कलर बदलने पर विवाद हुआ तो प्रसार भारती की तरफ से भी सफाई आई है। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा है कि हमने ऐसा अच्छे विजुअल सेंस के तौर पर किया है। चुनाव के वक्त इसे जारी करने पर प्रसार भारती के सीईओ का कहना है कि इस पर पिछले साल हुए G20 शिखर सम्मेलन के वक्त से काम चल रहा था। हम विजुअल्स और तकनीकी रूप से डीडी न्यूज के नए अवतार पर काम कर रहे हैं। भले प्रसार भारती की तरफ से सफाई आ गई है, लेकिन इस पर विवाद जारी है। सोशल मीडिया पर यूजर इसको लेकर अलग अलग तरीके से अपनी राय रख रहे हैं। इस विवाद से जुड़ा अपडेट हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।